हाय गाइज, मैं हूँ बीकेर, आप देख रहे हैं टर्स्टिवल। तो आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं कुछ मूवीज और सीरीज के लेटेस्ट अपडेट और हिंदी डबिंग न्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट है नेटफ्लिक्स की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी द ग्रे मैन मूवी से। जी हाँ गाइज, इस मूवी की जो शूटिंग है वो फ्रांस में 21 जून को कंप्लीट हो चुकी है और अब जाके इसकी जो शूटिंग है वो दोबारा से स्टार्ट हुई है 3 जुलाई से प्राग में, जो कंप्लीट हो जाएगी 18 जुलाई तक। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो इस मूवी की जो शूटिंग है वो सितंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगी और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर 2022 के सेकेंड क्वार्टर तक देखने को मिलेगी। और अगर आप इस मूवी के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने इस मूवी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। और अगर इन फ्यूचर कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूँगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है स्नोपियर्सर सीरीज से। जी हाँ गाइस, इसकी जो सीजन 3 की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो गई थी मार्च 2021 में और अभी इसकी सीजन 3 की जो शूटिंग है वो करीब 70% कंप्लीट हो चुकी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो इसकी जो शूटिंग है वो अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सीजन 1 और सीजन 2 की तरह इसकी सीजन 3 भी TNT पर जनवरी 2022 तक रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर कब तक रिलीज होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि सीजन 3 TNT के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर इंटरनेशनल लेवल पर एक साथ रिलीज हो जाए, क्योंकि इससे पहले इसकी जो सीजन 2 है वो TNT और नेटफ्लिक्स पर एक साथ रिलीज हुई थी। तो देखना होगा कि इन फ्यूचर हमें क्या अपडेट मिल पाती है। जो भी अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक इसकी जो सीजन 1 है और सीजन 2 को नहीं देखा तो आप जाके नेटफ्लिक्स पर इसे हिंदी में चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सीरीज है, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और इसके अलावा हमारा अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फैमिली सिटकॉम कॉमेडी सीरीज कंट्री कंफर्ट से। जी हाँ गाइस, इसकी जो सीजन 1 थी वो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज हुई थी और जो लोग इसकी सीजन 2 के लिए इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से तो उन्हें बता दूँ कि नेटफ्लिक्स ने इसकी सीजन 2 को कैंसिल कर दिया है, यानी इन फ्यूचर इसकी सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर नहीं आने वाली है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग एक्शन थ्रिलर टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि नेटफ्लिक्स पर आ रही बेकेट मूवी की जो हिंदी कंफर्मेशन है वो हो चुकी है और नेटफ्लिक्स ने इसकी जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अपलोड कर दिया है और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है वर्ल्ड वाइड 13 अगस्त 2021 को, यानी आपको 13 अगस्त को ये मूवी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी इंडिया में। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है जो लोग एनिमेटेड सीरीज देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि नेटफ्लिक्स की अपकमिंग एनिमेटेड म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज सेंटो वर्ल्ड ये सीरीज हिंदी में कंफर्म हो गई है। जी हाँ गाइस, ये सीरीज आपको 30 जुलाई को हिंदी में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसकी सीजन 1 में टोटल एपिसोड की तो इसकी सीजन 1 में टोटल 20 एपिसोड होने जा रही है। तो बस यही अपडेट थी इस वीडियो में जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।